हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इस पे हम लोग इतिहास टॉपिक लिए हुए हैं। इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कुषाण वंश। तो याद रखिए, कुषाण वंश तक हम लोग पढ़ चुके हैं इतिहास में। याद रखिए, अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे तो वो सभी सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। इसमें बात करते हैं संगम योग। कौन सा? संगम योग। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा या मंडली। संगम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है साहित्यकारों की सभा या मंडली। भारत में तीन संगम हुई हैं। प्रथम मदुरई, दूसरा हुआ है आपका कपाटपुरम और तीसरा है पुनः मदुरई में। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रमुख राजवंश देखते हैं। प्रमुख राजवंश संगम साहित्य में हमें सुदूर दक्षिण के तीन प्रमुख राजवंशों पांडव, चोल, चेर के बारे में पता चलता है। उद्भव और विकास का इनका कहाँ क्या हुआ पता। संगम साहित्य की तीन संगम हुए आपको पता है। प्रथम हुआ आपका, ये था मदुरई। इसमें नवासी पांडव राजाओं का संरक्षण रहा। इसमें भाग लेने वाले कुल 549 संस्थान थे, 7 कवि थे और 4499 लेखक और 4400 वर्ष तक चलाए। इसके अध्यक्ष थे ऋषि अगस्त, इन्हें अगतियार भी बोलते हैं। प्रमुख उपस्थित देवता थे अगस्त, त्रिपुरामेजी था जो शिव बोलते हैं, कुमारमरिंडा, मुरुगन या सुब्रमण्यम, मोरांजी, ईयूर आदि शेष। मानक ग्रंथों की बात करें तो मानक ग्रंथ थे अक्कीतियम, अगस्त्यकृत, परिपदल, मुदुनरे, मुद, कुग, कली कलीरा विरुई आदि। उपलब्ध ग्रंथ कोई नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। इस संगम के आचार्य थे अगतियार, जिन्हें अगस्त, जो कि उत्तर भारत में आर्य संस्कृति को लेकर, उत्तर भारत से आर्य संस्कृति को दक्षिण में कौन ले गया था? ऋषि अगस्त, जिन्हें अगस्त बोलते हैं। ठीक, द्वितीय संगम की बात करें हम लोग तो ये हुआ कपाटपुरम, वर्तमान अलवे समुद्र में ये विलीन हो गया। ठीक है, नवासी पांडव राजाओं का संरक्षण था। इसे भाग लेने वाले थे 49 अकादमी सदस्य, 3700 कवि और 3700 वर्ष तक चलाए। इस संगम के आचार्य थे अगतियार एवं तोल कप्पियर, कार्यकारी अध्यक्ष थे। मानक ग्रंथों की बात करें हम लोग तो मानक ग्रंथ थे अक्कीतियम, अगस्त्यकृत, तोलकाप्पियम, मापुराणम, इसे नुनुक्कम, भूतपुराणम, केली, कुरुकु, वेंदाली, व्यालमलय। ठीक, तोलकाप्पियम के लेखक थे तोलकाप्पियर। उपलब्ध ग्रंथ हैं तोलकाप्पियम, यह तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ है। इसके तीन भाग हैं। पहला है इलुथु, वर्ग विचार, दूसरा है सोल, वाक्य विचार, तीसरा है पोरुल, वस्तु। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। तृतीय संगम स्थान में ये हुई उत्तरी मदुरई। इसमें 49 पांडव राजाओं का संरक्षण, 49 संस्थान और 449 कवि सम्मिलित हुए थे। इसमें ये चला आपका 1850 वर्ष तक, यानी कि 1850 वर्ष तक चला। इसमें प्रमुख उपस्थित व्यक्ति थे नक्कीरर, अध्यक्ष थे पांडव राजा उद, शीतलिस सितनार, कपिलर थे और पन्नर थे। ठीक, इस संगम के आचार्य थे नक्कीरर। नक्कीरर, ठीक है। मानक ग्रंथ था पादित पादितीपुत्तु और परिपादल, वरी, वरिषे आदि। द्वितीय शताब्दी
द्वितीय शताब्दी तमिल साहित्य का स्वर्णयुग है, अगस्त्य। ठीक है, तृतीय संगम में जैन बौद्ध हिंदू तीनों समुदाय ने भाग लिया था। इसके पांच महाकाव्य हैं, कौन कौन से? सिलप्पदीकारम, नूपुर की कहानी, लेखक हैं एलांगो आदिगल बौद्ध। मणिमेखले, लेखक हैं इसके शीतले सितनार बौद्ध हैं। जीवक चिंतामणि, लेखक हैं कि तिरु तक्कदेवर जयंत। बलयपति, बलयपली और कुंडल केसी। ठीक है, ये पांच महाकाव्य हैं। पांच काव्य हैं, कौन कौन से? यशोधरा काव्यम संस्कृत ग्रंथ पर आधारित है। चूलामणि, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। उद्यान काव्यम नागकुमारम और नीलकेशी बौद्ध दर्शन पर आधारित है। ठीक, दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का ऋषि अगस्त ने फैलाई थी। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति को कौन ले गया? अगस्त ऋषि। ठीक है, संगम युग का समय रहा है आपका 300 ईसवी पूर्व से 300 ईस्वी तक, यानी कि 300 BC से 300 AD तक। दक्षिण भारत में प्राचीनतम भाषा थी इसकी, प्राचीन भाषा तमिल। संगम शब्द का प्रयोग विद्वत परिषद के लिए होता था। विद्वत परिषद में मदुरई एवं कपाटपुरम में आयोजित होती थी। पांडव शासकों की राजधानी मदुरई थी। तोल कप्पियम की रचना तोल कप्पियर ने की, जिससे तमिल भाषा का व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, इसे आगे बात करते हैं। सिलिप्पा दिकारम की रचना एलांगो आदिगल ने की थी। यह एक प्रेम कथा है। तमिल काव्य का इलियड, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है इसे। ठीक, सिलिप्पा दिकारम को। मणिमेखले, सितलितिसार लि मणिमेखले की रचना किसने की? सितलितिसित्रनार ने। ठीक, इसे तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। इसमें संगमयुगीन ललित कला के विकास का उल्लेख है। चेर राज्य की राजधानी थी वांजी या करूर। ठीक है, चोलों की राजधानी क्या थी? ओरेयू। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? चोलों का राजकीय चिन्ह था बाघ, याद रखना। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। संगम युग में सती प्रथा का उल्लेख मणिमेखले अभिलेख में मिलता है। मेगस्थनीज ने सर्वप्रथम पांडव का उल्लेख किया है। चेर देश गोलमेज एवं हल्दी के लिए प्रसिद्ध था। चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? बाघ। और चेरों का राजकीय चिन्ह था धनुष। ठीक है, ओरेयूर सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। बड़े कृषक तथा शासक वर्ग को बिल्लाल कहा जाता था इस समय। ठीक है, शिकारियों को एनियार कहा जाता था। पांडव देश मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांडव का राजकीय चिन्ह मछली था। बेंगी नदी पांडव राज्य की जीवन रेखा थी। यवन व्यापारियों की बस्तियां मुजरिस फुहार तोंडी में थी। रथों को बैल से खींचा जाता था। संगम काल के प्रमुख निर्यात था मोती, मसाले, कीमती पत्थर। हाथीदांत से बनी वस्तुएं संगम की प्रमुख तीन फसलें थीं। कौन कौन सी? धान, गन्ना और रागी, मरुआ। ठीक, धान, गन्ना और रागी। संगम कालीन समाज की बात करें तो अरसर शासक वर्ग था, अड़नर ब्राह्मण वर्ग, वेनिगर वणिक और बिल्लाल बिल्लाल था कृषक। संगम कालीन लोगों का प्रिय भोजन था चावल। संगम युग के प्रतिनिधियों की सभा मनरम कहलाती थी। ठीक, आगे बात करते हैं। अरिक मेडु व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था इस समय। विष्णु पुराण का उल्लेख मणिमेखले अभिलेख में मिलता है। सिंधु से कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक अज्ञात लेखक की पुस्तक में मिलता है। सबसे शक्तिशाली चोल शासक था करिकाल। भारत एवं रोम के बीच का व्यापार का पता चलता है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी से। मानसून की खोज हिप्पोलस ने की थी।
किसने? हिप्पोलस ने। रोमनों ने मुजरिस स्थल पर अगस्टस का मंदिर बनवाया है। शासक वर्ग को संगम काल में असरार जाता था। पत्नी पूजा चेर शासक सेन गुट्टू वन के शासनकाल से प्रारंभ हुई। चोल शासक करिकाल ने कावेरी नदी पर लंबा बांध बनवाया था। भूमि कर को करे, सीमा शुल्क को उलगू और अतिरिक्त कर को इखे कहा जाता था इस समय। ठीक। तमिल क्षेत्र में छोटे छोटे गांव को सिकर, तटीय शहर को पट्टिनम, प्रमुख सड़कों को साले, नगर की मुख्य गली को तिरु कहा जाता था। संगम युग का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था मुरुगन। इंद मुरुगन से विष्णु, कृष्ण बलराम को संयुक्त रूप से देवबृंद कहा जाता था। संगम युग में मंदिर को नागर कहा जाता था। संगम युग की संस्कृति तमिल और आर्य संस्कृति को समन्वय था। इसमें सभा के लिए प्रयुक्त शब्दों की बात करें, सभा के लिए प्रयुक्त शब्द थे मनोरम का शाब्दिक अर्थ था यवन, ओडियाल का शाब्दिक अर्थ था सार्वजनिक स्थल, मनोरम के अर्थ में था अवे शब्द भी मिला है। राजा अपनी सभा को नालवे में प्रजा की कठिनाइयों पर विचार करता था। सर्वोच्च न्यायालय था मनरम। राजा मन्नम, वेदन, कोसवन, एरेवन, राजा का जन्मदिन था पेरुनल। ठीक है, आदि शब्द इनके लिए होते थे उपयोग। आगे बात करते हैं हम लोग, क्या करते हैं आगे था आपका कुरुल मारम या कादी मारम। राजमहल में प्रचलित एक विशेष प्रथा थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक शासक अपनी शक्ति के प्रतीक के रूप में अपने राजमहल में एक महान वृक्ष रखते थे। पुरुना नुरु ने नुरु से चक्रवर्ती राजा की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। गायकों के गायन के साथ नर्तकियां नाचती थीं जिन्हें पाडर या विडेलियर कहा जाता था। राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का 5 परिषदों में विभाजित थी। कौन कौन से थे? अमईचार मंत्री था, सेनापतियार, पुरोहितार, दुत्तार और रार गुप्तचर था। ठीक है। राज्य मंडलों में मंडल नाडु में, जिला नाडु या जिला में, नाडु और या गांव में विभाजित थे। पत्तिनम समुद्र तटीय कस्बा था। पेरूर बड़े गांव, सिरूर छोटे गांव, मुडूर पुराने गांव को कहा जाता था। भू राजस्व प्रशासन की बात करें तो भू राजस्व प्रशासन कृषि राज की आय का मुख्य स्रोत था इस समय। आऊर किलार के अनुसार हाथी के लेटने में जितनी जमीन घिरती थी उतनी जमीन में 7 लोगों के खाने के लिए अनाज पैदा होता था इस समय। एक अन्य कवि के अनुसार एक बेली भूमि में एक सहस कलम चावल पैदा होता था। महत्वपूर्ण बंदरगाहों की बात करें तो पुहार चोल काल में, सालीपुर पांडव और बंदर चेर में। चेरों की प्राचीनतम राजधानी थी कुरूर, यहाँ से रोमन सामग्री प्राप्त हुई है। विरुक्काम्पिलिया चोल चेर पांडव तीनों राज्यों का संगम स्थल था। रोम के अतिरिक्त मिस्र, अरब, चीन और मालदीव के साथ व्यापार होता था इनका। मसात्तवा स्थलीय सातवा है। तिरुक्करल ग्रंथ को तमिल बाइबल के नाम से जाना जाता है, तिरुक्करल को। ठीक है। मणिमेखले में कपालिक शैव सन्यासियों की चर्चा है। तोलकप्पियम में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है जो धर्मशास्त्रों में व्यवस्थित था। बात करते हैं, क्या बात करते हैं आगे। नडुमान अंजी चेर ने दक्षिण में गन्ने की खेती की परंपरा को शुरुआत की थी। संगम जातियाँ एनाडी सेनानायक को दी जाने वाली उपाधि थी। वल्लाल धनी किसान चोल एवं पांडव राज्य में, इनकी नियुक्ति सैनिक एवं असैनिक पद पर की जाती थी। अरसर शासक वर्ग होता था। कड़ेसिया निचले वर्ग के खेती मजदूर होते थे। अट्टियोर बेनी वल्लार एक खेत मजदूर होते थे। ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र और इनकी आर्थिक गतिविधि और जाति व समुदाय। कुतुबुद्दीन
कुरंजी पर्वत, यहाँ इनका आर्थिक गतिविधि थी आखेटो संग्रह। यहाँ की जाति कुरवर बेंतर, मुल्ले ये जंगल। इनकी आर्थिक गतिविधि थी पशुपालन, झूम की खेती। यहाँ की जाति थी चरवाहा, आमर इठियर। पले निर्जन स्थल। इनकी आर्थिक स्थिति थी आखेट डकैती। एनियर मलवर, यहाँ की जातियाँ थीं। मरुदम कृषि योग्य भूमि, कृषि यहाँ की आर्थिक गतिविधि थी। उसवर बिल्लाल यहाँ के जाति या समुदाय थे। नेतल समुद्र तल, मछली पकड़ना, मोती निकालना, नमक बनाना। मछुआरे परतवर थे यहाँ के जाति या समुदाय। तो ये था आपका संगम काल। आगे हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। ठीक है।